दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है। दोस्तों, राज्य सरकार यानी योगी सरकार ने किया बहुत बड़ा ऐलान। ई श्रम कार्ड वालों को आज रात 12 बजे से 1000 रुपए की पहली किस्त इन लोगों के खाते में ट्रांसफर करेगी योगी सरकार। तो दोस्तों, कौन कौन से लोगों के खाते में आज योगी सरकार 1000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर करेगी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, 500 रुपए महीने कैसे मिलेंगे और कितनी किस्तों में सरकार की तरफ से आपको 2000 रुपए मिलेंगे, इसकी जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज रात 12 बजे से पहली किस्त 1000 रुपए की ट्रांसफर करेगी योगी सरकार इन लोगों के खाते में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रमिकों को हर महीने भरण पोषण के लिए 500 रुपए देने का फैसला लिया है। आज वो दिन आ ही गया जब यूपी सरकार 1.5 करोड़ श्रमिकों के अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर करेगी। फिलहाल यूपी में रजिस्टर्ड वर्कर्सों की कुल संख्या 5,09,08,745 करोड़ है। दोस्तों, वहीं BOCW बोर्ड में आने वाले रजिस्ट्रेड वर्कों की संख्या 12,74,08,020 है। दोस्तों, फिलहाल यूपी सरकार 1.5 करोड़ वर्कर्सों के अकाउंट में मैनेजमेंट यानी अकाउंट से भेजेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मजदूरों के लिए नए साल में ये पहला भत्ता होगा जिसमें वर्कर्सों को पहली किस्त जो कि 1000 रुपए की दी जाएगी। ये अमाउंट यूपी अनवाइजर वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों, बिल्डर यानी शिक्षा चालक, कुली, पल्लेदारों के अलावा कई वर्कर्सों को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश को देश का पहला राज्य बनने का काम किया है, जिसके बाद कई राज्यों ने भी योगी का यानी योगी सरकार की व्यवस्था को लागू करने का अनाउंस किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 500 रुपए प्रति महीने देने का लिया फैसला योगी यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के 1.50 करोड़ वर्कर्सों को मैनेज अकाउंट देने का शुभारंभ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज सभी के खाते में यानी आज रात 12 बजे से सभी ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में 1000 रुपए की पहली किस्त योगी सरकार ट्रांसफर करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 महीने का 1000 रुपए अनाउंस दिया जाएगा, यानी 2 महीने का 1000 रुपए यानी 500 रुपए महीने के हिसाब से सभी ई श्रम कार्ड वालों को मिलेंगे मार्च तक। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से वर्कर्स को और निर्माण श्रमिकों को कुल 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी योगी सरकार। रजिस्ट्रेड में देखा गया उछाल, यानी योगी सरकार ने जैसे ही श्रमिकों को 500 रुपए भत्ता पहुंचाने की घोषणा की, उसी के बाद कई ई श्रम कार्ड पर रजिस्ट्रेशन की काफी तेजी से होने लगे, यानी रजिस्ट्रेड प्रोसेस 3 गुना बढ़ गया। रजिस्ट्रेड के मामले में अगर यूपी के जिलों की बात करें तो पोर्टन का प्रयागराज 18.84 लाख के साथ पिछले यानी पहले नंबर पर है। वहीं दूसरे नंबर पर है काबिज जौनपुर, 7.85 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों, सबसे नंबर वन यानी प्रयागराज है, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका भी ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपको भी 4 महीने के 2000 रुपए मिलेंगे, प्रत्येक महीना 500 रुपए, और ये 2 किस्तों में योगी सरकार दे रही है सभी ई श्रम कार्ड वालों को। तो दोस्तों, अगर आपका 31 दिसंबर से पहले ई श्रम कार्ड बन गया है तो आपको पहले चरण में 1000 रुपए की पहली किस्त मिल जाएगी इसी महीने में आज रात 12 बजे। और दोस्तों, अगर आपने अब ई श्रम कार्ड बनवाया है तो दूसरे चरण में आपको 1000 रुपए की किस्त मिलेगी। लेकिन योगी सरकार ने ऐलान किया कि सभी जिसने भी ई श्रम कार्ड पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें सबको 2000 रुपए मिलेंगे मार्च तक। तो दोस्तों, आपने कौन सी तारीख को अपना ई श्रम कार्ड पर रजिस्ट्रेशन कराया था नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।